बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, रिएक्ट का 19 वर्जन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और इसी मई 15-16 को ये तकरीबन इसको लॉन्च भी कर देंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं न्यू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें से कुछ फीचर्स, तो सबसे पहले जो बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे पर्सनली फीचर लगा है वो है कंपाइलर। इन्होंने अपना रिएक्ट का ऐड कर लिया है। इससे पहले क्या होता था कि हम यूज मेमो, यूज कॉल बैक, इस तरह के मतलब हुक्स वगैरह यूज करते थे, जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाती थी। ठीक है, कोड उससे बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता था। तो अभी इन्होंने क्या किया कि अपना एक रिएक्ट कंपाइलर यूज कर लिया है, जैसे कि हम C++ और सी लैंग्वेजेज वगैरह में, बाकी लैंग्वेजेस में देखते हैं। तो अब रिएक्ट का कंपाइलर क्या करेगा कि जो भी हम कोड लिखेंगे उसको खुद ही कंपाइल करके उसमें मतलब खुद से मतलब कुछ चेंजेस करके, या जो भी हम मतलब कोड सिक्योरिटी उसमें कुछ इश्यूज होंगे तो वो हमें रिजॉल्व करके दे देगा, और अगर कोई एरर होगा तो वो खुद से कंपाइल करके दे देगा। ठीक है, तो इन्होंने ये तो बहुत ही अच्छा फीचर इसमें ऐड किया है रिएक्ट कंपाइलर का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक एक्शन, अगर आपने नेक्स्ट जेस पढ़ी हो तो हम यहाँ पे फॉर्म पे ऑन सबमिट वगैरह और ये सब कुछ करते थे। ठीक है, और सर्वर साइड के लिए इन्होंने अब क्या कर दिया है कि एक्शन एक फीचर को ऐड कर दिया है, जिसमें हम डायरेक्टली फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेस में हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम ऑन सबमिट करते थे, और उसमें हम मतलब जो भी हमारा फंक्शन का डेटा था वो सारा डेटा वो इस इधर कलेक्ट करके उस पर फिर अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते थे। ठीक है, अब इन्होंने एक्शन ऐड कर दिया है, इसको हम सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं। सर्वर साइड पे यूज करने का फायदा ये होगा कि अगर हमारे कोड में कोई सिक्योरिटी मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसमें, मतलब वो हम क्लाइंट साइड पे शो नहीं करवाना चाहते, तो हम उसको सर्वर साइड पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। कुछ लोग इस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं समझ रहे। ठीक है, पर्सनली मुझे तो सही लग रहा है कि अच्छा फीचर है। बाकी आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो जो इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, एक यूज ऑप्टिमिस्टिक अलोंग साइड एक्शन फीचर नेम यूज ऑप्टिमिस्टिक फॉर मैनेजिंग ऑप्टिमिस्टिक स्टेट्स अपडेट्स विद दिस हुक। ठीक है, तो ये एक हुक है यूज ऑप्टिमिस्टिक्स। इससे होता क्या है कि हम कुछ भी मतलब अहेड ऑफ टाइम कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई चीज लाइक करना चाह रहे हैं तो वो रुकेगा नहीं कि सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म हो, अगर ठीक हो गया तो वो लाइक कर दे, नहीं ठीक हुआ तो वो मतलब एरर दे दे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे ही हम लाइक करते हैं कोई मतलब परफॉर्म करते हैं कुछ एक्शन, तो ये फौरन से उसको कर देता है, फिर उसके बाद अगर कोई एरर आता है तो वो हमको एरर दे रहे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा हुक है। इस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा, यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक पे। ठीक है, तो वो भी आप लोग फिर देख सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने न्यू फीचर या कैनरी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यूज ये कैनरी जो है ये अब क्या करेगा, यहाँ पे है कि आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ इटरेशन ये कैनरी इज नाउ रेडी टू शिफ्ट टू रिएक्ट लेटेस्ट। ठीक है, जब हम पहले रिएक्ट अभी तक मतलब रिएक्ट लेटेस्ट वगैरह जो यूज करते थे लेटेस्ट, तो अब वो रिएक्ट कैनरी से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नए जो हमारे पास है, आप ये डॉक्यूमेंटेशन इसकी इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस ब्लॉग का, ये आप सारी रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें डॉक्यूमेंट मेटा डेटा ये भी ऐड हो गया है। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइटल मेटा डेटा लिंक्स वगैरह जो भी हम देते थे वो तो वैसे मतलब मैनुअली भी दे सकते थे, लेकिन अब इन्होंने ये चीज़ ऐड कर दी है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ठीक है, और बाकी डायरेक्टिव यूज प्लान यूज सर्वर बर्न फीचर डिजाइन फॉर फोर स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क देयर मार द स्प्लिट पॉइंट बिटवीन द टू एनवायरमेंट यूज क्लाइंट, जैसे जो यूज क्लाइंट और यूज सर्वर अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो इसको हम फाइल के जो है वो टॉप पे यूज करते हैं, और क्लाइंट यूज क्लाइंट और सर्वर के लिए हम यूज सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉग आप पढ़ लें। ठीक है, ये कुछ दो तीन चार फीचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ये यहाँ पे ऐड किए हुए। ठीक है, और ये रिलीज हो रहा है तकरीबन 15-16 को मई
15-16 को, ठीक है, इसी साल। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्साइटेड भी हैं इसको लेके, और बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं यार इस तरह नहीं होना चाहिए था। वैसे ये रिएक्ट कंपाइलर जो है ये तो बहुत ही जबरदस्त फीचर है, इससे हमारा कोड बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और बहुत ही मतलब जब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है ना उसको, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाती थी अभी तक, तो कंपाइलर क्या करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और इस पे मतलब हाफ हाफ रिव्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं, जब रिलीज होगा तभी पता चलेगा, जब हम इसको यूज करेंगे। तो तब तक के लिए वेट करते हैं, और आप इस ब्लॉग को पढ़ लें तब तक, ठीक है। आप लोगों को न्यू फीचर जितने भी है वो सारे खुद भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।